जय गणेश देवा माता जाती पार्वती पिता महादेवा। जसपुर बस स्टैंड यंग तिरंगा समिति के पंडाल में श्रीमती साई जी गणपति महाआरती करते हुए माथे पर तिलक जो है मूछ की सवारी, माथे पर तिलक जो है मूछ। दोस्तों जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों हमारे जसपुर में गणपति पूजन को लेके पूरा जसपुर वासी रंग में रंगा हुआ है। इस मौके में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी कौशल्या साय जी का आगमन जसपुर में गणपति महाआरती के लिए हो रहा है। इस मौके में कौशल्या साय जी पूरे जसपुर वासियों को गणपति पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आइए मैं इस मौके का पूरा नज़ारा दिखाता हूं और गणपति स्थापना के गणपति पूजन के इस अवसर में कौशल्या साय जी जसपुर वासियों के लिए क्या संदेश दिए। आज हमारे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय जी यंग तिरंगा के गणेश पंडाल में महाआरती हेतु पधारी हैं। हम उनका यंग तिरंगा समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुतान्वित मनुष्योर्मत्कृषादेन भविष्यति न संशयः। ननम भूतगणादि सेवितं कपीथ जम्बूफल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। गाड़ी से नारियल बोलता गाड़ी से नारियल ना गणपति गंग भामहे प्रियाणं त्वा प्रियपति गंग भामहे निधीनं त्वा निधिपति गंग भामहे वसु मम महामजानि गर्भदमातमजासि गर्भदम्मा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक जो है मूछ की सवारी, माथे पर तिलक जो है मूछ की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा।
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। बोले लंबोदर महाराज की, गौरी पुत्र गणेश की, उपास हो क्या? हम लोग क्या कहते हैं प्रणाम जब बोलते हैं ना महाराज जी, गणेश भगवान से हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चा बने रही है, बड़े बन के कोई फायदा नहीं है, सही है। सबसे छोटी बच्ची यहाँ खड़ी है, तो बच्चा तो चलिए नाना बातें नहीं करेंगे। भगवान जी का जयकार हो गया, महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया, सुंदर सा महाआरती हो गया और मेरी नज़र वो आखिरी तक जा रही है। एकदम धर्म भर प्रेमियों की लाइन लगी है और हमारी बहनें, हमारी देवियाँ, हमारी माताएं पल्लू लेके, नथ पहन के, सर संवर के, आरती की थाली लेकर के एकदम प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सुघर सुघर लग रही हैं। और हमारे दादा बाबा देवर बेटा लोग भी अच्छे अच्छे लग रहे हो, कोई अति सुनते नहीं है, सब सुंदर लग रहे हो। तो अभी छत्तीसगढ़ सुंदर सुंदर और भक्ति वाला हो गया है, जिधर देखिएगा भगवान मैं हो गया है। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? रोज दिन राधे राधे, जय जय श्री राम और हर हर महादेव चल रहा है। तो ये करी टूटना नहीं चाहिए। आप पांच महिलाएं मिलो, अरे देवरानी ने अच्छा बोला, सास ने मेरी अच्छा बोला, ससुर ने ये किया, मेरा बच्चा मानता नहीं सुनता, ये नहीं, बस जहाँ देखो राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव। सत्संग करिए, भजन करिए, अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा अच्छा कर्म करते रहिए, क्योंकि अभी हम लोग के पास रोज आवेदन आता है, बैठा है ना यहाँ। तो जसपुर का तो भैया मत पूछो, ये तो राजा का राज है, हैं तो राजा का राज का तो गणेश जी बड़े ही रहेंगे ना, तो बहुत अच्छे बड़े से गढ़ राजा बैठे हैं। और ये गढ़ राजा बगिया में इतना इतना रोज आवेदन भेजते हैं, हम नहीं ये देखते हैं। तो आपकी समस्या रोज सुनी जा रही है गणेश के दरबार में, भोला के दरबार में, राम के दरबार में, मैया के दरबार में। आखिर देखिए उत्सव भी उत्सव चल रहा है, हरेली मनाया, पोला मनाया, तीजा मनाया और अब हम बना रहे गणेश। उसके बाद गणेश जी आगे तो आ जाएंगे पितरदेव। पितरदेव मानते हो आप लोग? माना करिए, जीवित को भी मानिए और वो चले जा रहे हैं सूक्ष्म रूप में, उनको भी मानिए, दोनों को, दोनों का महत्व बराबर है। कमेंट मत करिएगा, व्हाट्सअप शुरू हुआ नहीं कि पितर आ रहे, देखो जिंदा को तो मान नहीं रहे, मरल को मार रहे, मत जाइएगा उसमें। हमारा जो सनातन धर्म है वो पितरदेव को मानता है, माना करिए। उसके बाद पितर जाएंगे तो देवी माता रानी आएगी, अभी भी वैसे सब देवी लग रहे हो, हमको भी मिला है गणेश जी ने दिया, अब सवेरे से भाग रहे हैं ना, रोज दिन भाग रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है, आप लोग भी अच्छे लग रहे हैं। और हमारे ये दोनों लाडले इधर विजय इधर सार है, तो ये दोनों का साथ भी आपको देना है, जैसे हमारे कुमार साहब जी के साथ रहे, राजा साहब के साथ रहे, आप लोग साथ देते आ रहे हैं, वैसे बाबू लोगों के साथ ही रहिएगा, क्योंकि इनको एक ताकत चाहिए, माताओं का पिताओं का एक आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद में बहुत ताकत होता है। आप जिधर देखिएगा, चाहे अखबार, चाहे मोबाइल, चाहे टीवी, रोज कुछ न कुछ आतंक फैल रहा है ना, उससे बचाने के लिए हमारे बेटे लोग ही आगे आएंगे, इनका साथ देना आप सबका कर्तव्य है, धर्म भी है। इस तरीके से धर्म को छोड़िएगा मत, आज राम राम कर रहे हो, जय गणेश कर रहे हो, यहाँ से जाने के बाद भूलिएगा मत, घर में भी रोज गणेश करते रहिएगा, हैं? अभी देखिए वहाँ तक भरे हैं, किसी को गर्मी नहीं लग रहा, मेरे को बिना घर में पता नहीं चल रहा, यहाँ से निकलूंगी तो पता चलेगा। तो जब हम ऐसे मंच में रहते हैं ना, चाहे कहीं कथा हो रहा हो, कहीं भजन हो रहा हो, कहीं आरती हो रहा हो, वहाँ संसार का कोई भी समस्या हम लोग को परेशान नहीं करता, नहीं करता ना। लेकिन जैसा ही कहते हैं कि सभा समाप्त किया जाए, कथा समाप्त किया जाए, भजन खत्म, अरे चल जल्दी घर, हाँ रोटी बनाना है, मैं सब्जी छोक के आई हूँ, तेरे को क्या पता, मेरे तो दाल चला कैसे पता नहीं, उसके पापा उतारे कि नहीं उतारे, बच्चा ने ट्यूशन का पूरा करा कि नहीं करा, मेरी सास तो मेरे को गुजरानी देख रही होगी कि अभी तक बहू भजन में लगी है ना। ये समस्या रोज का है, तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, राम तेरी माला जप, पता है राम तेरी माला जपी एक बार, तीन बार भोजन
कबार, तीन बार भोजन भजन एक बार, राम तेरी माला जपना एक बार, राम तेरी माला। क्यों नहीं जप पाते? जब आप जपने बैठते हो पड़ोसन आ जाती है माला रख दी, भगवान जी बात उसे निपटे, फिर माला पकड़े, पति देव आ गए, खाना लगा, गणेश जी बाद में माला करेंगे, चल के खाना खा के निपटे, फिर माला पकड़े, बहुरिया आ गए, माता जी बच्चा को पकड़ो, बर्तन धो लो, माला रख दी, अंतिम माला यमदूत आता है लेने, तब अक्कल आती है कि माला कर लो, लेकिन उस समय हमारे पास समय करता हम, इसीलिए माला करते रहिए, ये नहीं मन में जपट चलाते रहिए, माला वैसे भी माला ऐसे भी, ईश्वर का रटन ईश्वर का ध्यान नित्य निरंतर मन में चलते रहना चाहिए। आप महाराज के सामने महाराज जी कहते हैं कि जो पूजा हम भी तरीके से वस्तु के साथ करते हैं इससे भी ज्यादा प्रभावी मानस पूजा होता है, मानसिक पूजा होता है। आपके पास कुछ नहीं है, आप खाली हाथ आए हो, लेकिन हाथ जोड़ के भी स्मरण करा तो राधे राधे भगवान जी का आशीर्वाद मिल जाता है। पर कब देखो दिखावा नहीं, भगवान जी को छल कपट पसंद नहीं। तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चे कल हमारे पास पर्सनल तो गए थे और दोनों तरफ से मिला कि दादी आपको आना बता, दादी कितना अच्छा लगता है, नानी भी हूँ दादी भी हूँ, हर रिश्ते का एक अलग आनंद है ना। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे पंडाल में आना है, गणेश जी को आरती भी करनी है, गणेश जी से सबको आशीर्वाद भी पाना है। हम बोले भाई हम पीछे की ओर हम भी आते तो हम ये विघ्न हरता है, गणेश जी हम सब का विघ्न को हरें खत्म करें और गौरी मैया का जैसे लाड़ता उनको मिलता है, गौरी माता का आशीर्वाद हम सबको भी मिले, इनका जैसे आशीर्वाद मिलता है हम सबको भी मिले, और हम सब मिल करके सुख शांति सौहार्द को बनाए रखते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए अनुसरण करते हुए ये मानव चोला को समय समय धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की लेकर जाना है। तो बहुत अच्छा लगा, बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे यहाँ के जितने भी गणेश पंडाल के समिति वाले सदस्य हैं बच्चे हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, यहाँ बहुत बहुत शुभकामना, वो ये कर्म हमेशा करते रहें, महाराज जी के चरणारविंद में हमारा बारंबार प्रणाम, उनका आशीर्वाद हम सबको जसपुर वासियों को इसी तरह मिलता रहे, और जितने भी यहाँ पे हैं हम सब मिल करके जो अभी सत्ता मिली है शासन मिला है उन सबको हमको मिल करके कार्य करना है, राज्य सरकार का साथ देना, क्योंकि अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, जब तक उसका घर परिवार उसका समाज उसके नगर के लोग उसके गली के लोग साथ नहीं रहेंगे अकेला कुछ नहीं कर सकता, अच्छा है ना। तो आप सबको साथ देना है हमारा, और मैं आप सबके साथ हूँ, मैं कौशल विष्णु देवसा इतना विश्वास दिला करके अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगी, और अभी एक जगह और जाना है, वहाँ भी गणेश ही बैठे हैं, पता नहीं कितने गणेश आके एक ही साथ बैठे हैं, हम सभी जनता के लिए दौड़ना पड़ता है। तो आप सबके साथ मिल करके बहुत अच्छा लगा, आरती में भाग लिया, और सबका चेहरा इसी तरह स्माइल वाला होना चाहिए, हम जब भी आपके बीच में आए तो बिल्कुल यही होना चाहिए बुलबुले की तरह। राधे राधे हर हर महादेव, जय जय श्री राम।
सा